स्वागत है आपका वो फीवर्ट में। तो देख सकते हैं मेरे पीछे फिलहाल इस टाइम पे बारिश हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, एकदम कम से कम 8 बज रहे हैं इस टाइम। तो मतलब सुबह से ही हो रही है, 6-7-8 बज, मतलब 5 बजे से हो रही है जहाँ तक कि मेरे पता है। तो देखते हैं, मैंने फिलहाल तो कबूतर को थोड़ा सा दाना पानी डाल दिया, अब ख़त्म हो गया तो और डाल देते, एक बार चेक कर लेते ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, तो एक बार चेक करते हैं। और पानी बहुत पड़ चुका है हमारी छत पे, हालांकि कबूतरों के गड्ढों में पानी नहीं गया क्योंकि वो थोड़ा ऊपर है, बाकी पूरी छत पे पानी चला गया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये व्हाइट कबूतर के बच्चे देखिए कहाँ घूम रहे हैं अंदर, बस ज़्यादा नहीं, नीचे ज़मीन पे पानी है और बाकी तो अंडे बैठे हैं सारे में। अभी मैं इसको अंदर दाना डालती हूँ, मैंने दाना डाला था सुबह, जाए कबूतर बैठा है ब्लैक वाला, सारा खा गया। ये देखिए अभी मैं खोल लेता इनको। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दरवाज़ा खोला, कबूतर तो ऊपर बैठे, मुझे लगा कबूतर ही बैठी है। देखिए कबूतर बैठा ऊपर अंडों पे, यहाँ पर तो कबूतरी बैठे हैं, ब्लैक वाला ही रहा। फिलहाल मैं दाना डाल देता हूँ कुछ, इनके लिए बहुत है। यहाँ देखिए कबूतरी बैठी है, बच्चे भी चुग लेंगे, और वहाँ से तो बस थोड़ा सा पानी आ रहा है, इसका भी करेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है ताकि अंडे खराब ना हो, बिल्कुल ठीक है। चलो, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें भर रखा है पीने के लिए इनके। दो कबूतर तो लेके आऊंगा बाहर से, कम से कम एक या दो। तो चलते फिलहाल कुछ कबूतर लेके आते साथ में, देखते कैसे कबूतर है, क्या देगा हमें और कैसे कबूतर मिलेगा। चलिए भाई, मैं एक गांव में गया था तो उसके पास तो कबूतर मिले नहीं, तो हम दूसरे गांव आ गए। तो गांव में आया तो भाई अभी मिला है, तो देखते हैं कबूतर देता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार देखते हैं। और कुछ मुझे असील मुर्गी दिखी, मैं दिखाता हूँ आपको असील मुर्गी। देखिए ये रही असील मुर्गी, अभी तो और भी बहुत सारी यहाँ पर मैंने देखी। आप जो ये कबूतर देख रहे हो ना, इसका एक पैर नहीं है और एक पर भी नहीं है, ये उड़ नहीं सकता, ये किसी डॉग के मुंह में था, उसके मुंह में से निकाल के लाए। पर ये बच्चों तो बहुत अच्छे से पाल रहा है, मैं देख के चौंक गया, मैं जिंदा कैसे है अब तक। पर इसके बाद और भी बहुत सारे कबूतर थे, हमने उसमें से दो ही कबूतर, चार कबूतर लिया है, दो हमारे खास है, दो थोड़े वैसे। इस टाइम देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका है, कबूतर लाते लाते मतलब अंधेरा हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था हम लेते लेते। और मैंने कबूतर फिलहाल दड़बे में डाल दिया, आपको दिखेगा नहीं दड़बा क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और देख सकते हैं लाइटें आसपास की जल चुकी हैं, अंधेरा है फिलहाल, दड़बा आपको दिखेगा नहीं, बस आपको मैं सुबह दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, रात को ना मैं आया था अपने कबूतरों को देखने, जो नहीं लाया था, और मैंने देखा इसमें से बच्चा निकल रहा, देखिए ये देखिए दोस्तों, इसमें से बच्चा निकल रहा है, इसको हम थोड़ा सा कर देते ताकि इसमें से बच्चा निकल सके। मुझे बच्चा यार हिलते भी नहीं दिख रहा मुझे, ये जो बच्चा है ये मर गया है, पता नहीं कैसे मर गया, ये पूरा का पूरा बच्चा बना हुआ है इसमें देख सकते हैं, और इसमें छेद इसने मारा था, पता नहीं ये तो कमजोर बच्चा है, इसको खोल नहीं पाया, ये मर चुका है।
ये जो बच्चा है ना ये मर चुका है, कमज़ोर था शायद, मतलब ये इसको खोल नहीं पाया यार इसने, पर इसने ना छेद तो कर दिया था इसमें अंडे में, तो पता नहीं ये खराब हो चुका है दोस्तों अंडा। खैर दोस्तों ये तो अंडा खराब हो चुका है, मुझे लगा इसमें से, मैं सोच ही रहा था कम से कम 5-6 दिन थे इसमें से बच्चा क्यों नहीं निकला, पर ये खराब हो चुका है, अब इसको फेंकना पड़ेगा, कोई फायदे नहीं। तो कबूतरी खामा था देखिए जब से अंडे में बैठी हुई थी, ये देख सकते हैं, पर ये इस ब्लैक वाली का अंडा था असल में इस कबूतरी का, हमने इसके अंडे इसमें धर दिए थे वाइट वाली के, पर ये खराब हो चुका है देख सकते हैं जैसे कि आप, कोई फायदा नहीं, तो इसको फेंक देते छोड़ दिया और ये खराब हो चुका है। आपको मैं नया कबूतर अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आज तो बहुत रात हो चुकी है, मतलब काफ़ी रात हो चुकी है देख सकते हैं, अंधेरा हो चुका है, अभी मैं टॉर्च लेके आया, मोबाइल लेके आया, उससे भी बनाया वीडियो। तो ये थी मेरी दोस्तों आज की वीडियो, मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।